वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क। आज अपन जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि बेसिकली आपको दिख जाएगी, ऊपर अपने सब टाइटल देख के समझ ही लिया होगा किधर जा रहे हैं अपन लोग। और थोड़ा सा वो प्लेस ऐसा है कि शाम के टाइम जाओ तो ज़्यादा व्यू अच्छा आता है। बेसिकली क्लाउड एंड पॉइंट जो है मसूरी में, वहाँ पे जा रहा हूँ। लोकेशन थोड़ी सी ऐसी है जो कि मतलब थोड़ी सी अनसुनी है, ऐसा नहीं है कि अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों ने देखी हुई अच्छे से, लोग जानते भी, लेकिन जो मोस्टली बाहर से आते हैं वो लोग नहीं जानते इस बात को। सो बट आई थॉट कि चलो चलते हैं आज क्लाउड एंड पॉइंट पे और देखते हैं वहाँ का सीन कैसा है, कैसा सीनिक व्यू आता है, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी सीनिक व्यू उधर से आते हैं। आज देखते हैं कैसा है वहाँ पे, कैसा व्यू आता है नो क्लाउड एंड पॉइंट पे। और अभी जो टाइम हो रखा है वो रखा है 3:30, तो आई गेस मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से देहरादून से विद इन नेक्स्ट 1 आवर आराम से पहुँच जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने शाम का टाइम चुना क्योंकि वहाँ पे जो व्यू है वो शाम का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, जस्ट बिकॉज ऑफ जो यू नो सन का एक्सपोजर है वो थोड़ा कम होता है। बस होप एक चीज़ की है कि बारिश ना हो और हमारा ये जो अभी का प्लान है वो थोड़ा सा घपले में ना पड़े, नो गड़बड़ में ना पड़े बारिश के, क्योंकि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और हर रोज़ बारिश हो जाती है। क्योंकि मतलब बारिश से इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि निकलने को दुखी है, मतलब घर से निकलते हैं और बाहर तक भी गली के जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू, इतना ज़्यादा बारिश इस टाइम देहरादून में हो रही है। वेदर जो है प्लेजेंट है बिकॉज ऑफ यू नो बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, तो अभी निकलते हैं बिना देरी करते हुए। टॉप बॉक्स में कुछ अपना सामान लेके जा रहा हूँ जो कि नेसेसरी है, क्योंकि आप इस टाइम पे अगर इधर आते हो तो मेक श्योर कि आप ना रेनकोट वगैरह हर टाइम अपने साथ रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कब बारिश आ जाए और कब आप भीग जाओ। सो बेटर टू हैव अ रेनकोट विद यू। सो मैंने पैक कर लिया ऑलरेडी, थोड़ा बैकग्राउंड में जरा सामान थोड़ा फैला पड़ा है, अपना रेनकोट रख चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं और सीधे मिलते हैं आपको बाइक पर। बाय बाय। सो निकलने के बाद सबसे पहला काम करानी है थोड़ी सी फिलिंग फ्यूल की, क्योंकि फ्यूल जो है एकदम से तो कम नहीं है, थोड़ा हाँ कम है। सो पहले कराते हैं फिलिंग। हाँ जी भैया 500 का डाल दीजिए। तो था अप्रॉक्सीमेटली नो हाफ टैंक 500 का डलवाया, अभी फुल तो नहीं हुआ बट हाँ एक सेल रह गया अभी भी। क्या टैप नहीं हो रहा है, इंसर्ट कर लीजिए। फ्यूल पंप पे थोड़ी सी देरी लग गई यार, एक्चुअली नो मैं अपना एटीएम कार्ड का पिन एक्चुअली भूल गया था यार, दोनों रीसेट करना पड़ा, दो बार ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गया। रेस्ट अभी यहाँ से टोटल डिस्टेंस दिख रहा 36 किलोमीटर जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये है राजपुर रोड एक्चुअली, एंड सॉरी कैनाल रोड है, ये कैनाल रोड है। यहाँ से निकलने के बाद जो रास्ता है मेन आई गेस वो वही है जो सेम मसूरी के लिए जाता है, लेकिन आगे से टर्न कहीं से लेना पड़ेगा। सो बेसिकली जिधर गूगल मैप दिखाएगा उधर अपने को लेने का टर्न, अब वो किधर को दिखाता है मसूरी रोड से अब वो देखना पड़ेगा मेरे को आगे चल के, जब हम मसूरी रोड पर एंटर कर जाएंगे और आधा रास्ता जो बेसिकली कवर है वो कर जाएंगे, जहाँ से बेसिकली मेन टर्न होगा उधर से देखते हैं। तो बादल तो देखिएगा मतलब कैसे हो रहे हैं, वेदर चेंज, अभी बस चले हैं 10 किलोमीटर, टोटली हवा जो है ठंडी हो चुकी है और सामने हो तो वो फॉगी वेदर हो रहा है एज ऑलवेज, जो कि यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है, मतलब मसूरी साइड तो होना ये इतना ज़्यादा फॉग इधर और मतलब वेदर क्यों रहता है यहाँ पे इतना ख़राब, आई डोंट नो इवन कि क्यों ऐसा रहता है। आह हाँ वाह, थोड़ा सा गीले से लग रहे रोड मेरे को। बारिश का मौसम अगेन फिर से होने वाला है, मुझे लगता है कि वहां तक जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पे पहुंचने से पहले ही मेरे को रेनकोट डालना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, बट लेट्स सी होता है ऐसा नहीं होता है, अब तो डिपेंड करता है बेसिकली वेदर पे। अभी तक तो बारिश नहीं हुई है स्टार्ट, अगर हो गई तो पता नहीं, क्योंकि इधर बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है जनाब, यू हैव नो क्लू, पलक झपकते ही बारिश शुरू, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे आ रही है। हेलो काले पीपल मेरी तरफ देख रहा था यार वो भाई, इनसे थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी। हेलो 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 हेलो, खैर मुझसे डर रहे लग रहा है दोस्तों, यार मेरे को लग रहा है कि आज बारिश हो के ही रहेगी एज ऑलवेज, जिस चीज़ से अफ्रेड रहता हूँ यार मतलब बारिश से वो हमेशा हो जाती है, मतलब जिधर भी निकलता हूँ मेरे को तो लगता है कि बारिश मेरे पीछे आ रही है, मतलब मैं जिधर पहुँचता हूँ बारिश उधर ही स्टार्ट, क्या सीन है पता नहीं यार, मतलब किधर भी जाओ यू वोंट बिलीव गाइस यार, मतलब मैं दिसंबर के मंथ में ट्रेवल कर रहा हूँ कश्मीर में और दिसंबर के मंथ में ही बारिश हो गई लौटते टाइम पे। खैर हालांकि पूरे ट्रिप में कहीं नहीं मिली, लेकिन जब वापस आ रहा था उस टाइम पे फिर से हो गई, तो बारिश से मेरा कुछ ज़्यादा ही प्यारा कनेक्शन है मेरे को लगता है। और अभी वेदर ना बहुत ही प्लेजेंट हो रहा है, बहुत ही प्लेजेंट मतलब ऑसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल वाइब्स आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इधर आके ना इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना यार, मतलब यू वोंट बिलीव क्या हवा है ठंडी ठंडी। तो बस शुरुआत है बाबू मुशाए, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या आता है। आजकल यार लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही है माउंटेन एरियाज में बिकॉज ऑफ जस्ट
जो इतनी ज़्यादा मतलब यू नो बारिश हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो वी अवेयर गाइज, आप भी अगर कभी किसी पहाड़ी एरिया में निकलते हो तो पहले से वेदर फोकास्ट देख के निकलो, या फिर कोई ऐसा बीच में कहीं पे लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपका रास्ता जो है ब्लॉक हो सका है या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो वो सब चेक करके निकलना इज़ बेटर नाउडेज बिकॉज ऑफ बारिश आजकल ना बहुत ज़्यादा हो रही है। इधर से बहुत सेक्सी व्यू आता है लेकिन फिलहाल ये फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अपन, अभी यहाँ से जो मसूरी रह गया है वो आई गेस कुछ रह गया होगा मैक्स टू मैक्स 5 to 6 किलोमीटर्स, बट मसूरी से पहले ही टर्न पड़ता है जिधर को अपने को जाने का है, जिधर बादल ख़त्म हो रहे हैं, मतलब जिधर बादल ख़त्म होते हैं, मतलब बादल वहाँ पे कैसे ख़त्म होते हैं मुझे भी नहीं पता, क्लाउड्स एंड क्यों लिखा हुआ है, आई मीन क्लाउड्स एंड पॉइंट क्यों बनाया हुआ है, हो सकता है उधर से बादल आगे ना निकल पाते हो, यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेंस। तो जो रास्ता आपको आता है कैम्प्टी फॉल के लिए हाथी पाँव मसूरी से पहले एक टर्न पड़ता है बेसिकली, जो हाथी पाँव का रास्ता रहता है उधर से आपको मुड़ लेने का है अगर आपको इधर जाना है क्लाउड्स एंड पॉइंट पे। तो अभी अपन ने टर्न ले लिया इधर से, बाकी सामने देख रहे हो आप कितना ज़्यादा मतलब क्लाउड्स जैसे एकदम से आ गए हैं। अब मसूरी के ऊपर ऐसा लगता है ना क्लाउड्स का क्राउन है ये, मैं जब भी इधर आता हूँ मैं देखता हूँ मसूरी के ऊपर जो टॉप है ना उधर ऐसे क्लाउड्स रहते हैं, जस्ट लाइक जैसे ना मसूरी का क्राउन है और वो बादलों से बना हुआ है। काफ़ी खाली रोड है वैसे इधर का। तो अभी लिया अपने से एक छोटा सा स्टॉप यार, एक्चुअली ना थोड़ा सा भूख लगी थी तो आई थॉट कि चलो स्नैक्स खाते हैं, दिस ब्यूटीफुल सा एक कैफे था यहाँ पे, उधर लिया स्टॉप। एंड ये रही अपनी डीवी। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए, क्योंकि लाइक हम लोग अपना जो बेसिकली जो रियल नेम है बाइक का वही मैं मोस्टली लेता हूँ, बट एक कुछ अपना अलग सा यू नो इससे जुड़ाव है, एक लगाव है अपनी बाइक से मेरे को, तो आई एम थिंकिंग कि कुछ ना कुछ चलो इसको एक डिफरेंट सा नाम देते हैं। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन यू गाइज कि आप लोग के चॉइस क्या हैं या आप लोग के यू नो सजेशंस क्या हैं, क्या नाम अपनी बाइक का रखा जाए बताना ज़रूर मेरे को। आई विल वेटिंग फॉर द कॉमेंट्स एंड उनमें से जो अच्छा मेरे को लगेगा फिर मैं वो नाम चूज़ करूँगा अपनी बाइक के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि अपने बाइक का ना कुछ एक डिफरेंट सा नाम रखूँ, क्योंकि ईडी तो सभी बोलते हैं, बट ये अपनी जान है ना पहाड़ों की, तो क्योंकि इस पे ही चलते हैं अपन। जिक्सर हालांकि मेरे पास है, बहुत कम चलाता हूँ वो, यू नो मैं मोस्टली सिटी राइड्स में चलाता हूँ, और मैं बात करूँ अगर इसकी तो वैसे तो ये भी EMIs पे ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पूरा पेमेंट दे के निकाला, तो थोड़े से टफ टाइम चल रहे हैं बट या आई एम मैनेजिंग इट एनी हाउ। बाकी अब नज़ारे देखो यार, क्या ज़बरदस्त नज़ारे इधर से आ रहे हैं ना, मतलब फॉगी वेदर हो रखा है, थोड़ा सा जो वादियाँ हैं दिख नहीं रही हैं, अदरवाइज ये पूरा दिखता बहुत ही साफ और बहुत ही क्लियर, अगर थोड़ा सा धूप होती तो बहुत ही अच्छा व्यू आता, जैसे पूरी वैली पूरी दिखती, लेकिन यू नो जस्ट ड्यू टू फॉग नहीं दिख रहा है। बाकी अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर और रह गया है, कुछ खाता हूँ पीता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से और फिर मिलता हूँ सीधे सीधे डेस्टिनेशन पे आपसे। तो दोस्तों हालात जज्बात और नो मौसम सारे बदल चुके हैं यहाँ पे, अभी सडनली बहुत ज़्यादा फॉग हो गया और पीछे की साइड मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बट वहाँ पे तो कुछ इतना ज़्यादा फॉग हो रखा था कि मतलब मुझे लिटरली आगे का नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, बट हालांकि यू नो वैलीज जो है वो काफ़ी क्लियर नहीं दिख रही है, बट यू नो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम नेचर का कुछ नहीं कर सकते। अभी जो नाम है क्लाउड एंड्स पॉइंट, अगर ये वहाँ पे भी ऐसे ही निकले सीन, मतलब जैसा अभी यहाँ पे माहौल हो रहा है, जैसा मौसम यहाँ पे हो रहा है, अगर वहाँ भी ऐसे हुआ तो हमारा आज जाने का जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल फॉग हो रखा है बढ़िया वाला, मतलब एकदम ज़बरदस्त फॉग हो रहा है। अरे भाई हल्के राइड करो भाई, इधर बादल कैसे ख़त्म होते हैं मेरे को देखने का आज, क्या है इसके पीछे का राज, आई वॉन्ट टू नो क्लाउड एंड्स। सो इधर से फिलहाल अभी 3 किलोमीटर रह गया है और थोड़ा सा रास्ता गंदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा छोटे रास्ते हैं, पतले रोड्स हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओ वाओ व्हाट अ ग्रीनरी भाई, क्या ग्रीन, ओह क्या बात है, जबरदस्त। इस जगह ने मेरे को दोबारा से वापस मुंशियारी वाली याद दिला दी, एक्चुअली मैं एक बार मुंशियारी गया था, वहाँ पे भी ऐसे ग्रीन पहाड़ हर जगह थे, तो वापस से मेरे को वही फीलिंग आ रही है कि जैसे कि मुंशियारी में आ गया हूँ, लेकिन हालांकि ये मुंशियारी तो नहीं है, काफ़ी सारे कैफे वगैरह हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, तो केवल कैश ही चलेगा और हम लोग कैश लेके आए नहीं हैं, हालांकि हम खा चुके हैं। अभी क्लाउड एंड ऊपर की तरफ है, ओके ओपन एट 9 AM टू सनसेट, ठीक है, cloudend.com।
ओ भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं भाई एकदम से, मतलब जो भी ये पीक है जिस पीक पे हम इस टाइम चल रहे हैं ये बिल्कुल उसके ऊपर हमें लेके जा रहा है और एकदम से ऐसा स्टीप रास्ता है, क्लाउड एंड्स का पता नहीं लेकिन रास्ता एंड हो चुका है और बहुत ही अपहिल साइड हम लोग जा रहे हैं एकदम से। और इतना डेंस जंगल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेंस है जंगल लिटरली, मतलब इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है कि अभी टाइम हो रहा है 5:50 और लेकिन अंधेरा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल ही, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इतने सारे पेड़ हैं तो सनलाइट जो बिल्कुल आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत फॉग है, मतलब जो वेदर है वो थोड़ा फॉगी है, वो क्लाउड्स हैं या फिर फॉग है पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंस जंगल है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा लिटरली सामने का, आपको दिख ही रहा होगा मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है ना एकदम डिम हो रखी है यहाँ पे। वाई द वे जस्ट फॉर योर शेक गाइज आपको बता दूँ क्लाउड एंड्स पॉइंट जब पहुँचते हो तो यहाँ पे एक एक्चुअली यू नो ये म्यूजियम टाइप है, इधर 200 rupees पर पर्सन चार्जेस लगते हैं फॉर एडल्ट, जो आपका एक्चुअल व्यू पॉइंट है वहाँ से देखता है, लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो आप बेसिकली कहीं से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वो 200 rupees की पर्ची लेने के बाद ही आपको व्यू दिखेगा। हालांकि अभी वेदर बहुत ज़्यादा फॉगी है और कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मेरे को वो 200 rupees स्पेंड करना वर्थ लगा नहीं, तो मैंने स्पेंड नहीं करे। तो आज तो खैर वेदर बहुत ही ख़राब है, हमारी किस्मत में लिखा नहीं था एक अच्छा व्यू इसीलिए मैं देख नहीं रहा, बाकी रेस्ट सी अगर थोड़ी बहुत देर में, वैसे तो पॉसिबिलिटी ज़ीरो लग रही मेरे को क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, शायद ही दोपहर का टाइम होता तो जो धूप है ना उसकी वजह से जो ये फॉग है वो थोड़ा कम हो जाता और थोड़ा सा मतलब जो वादियाँ ना एकदम से जो क्लाउड एंड का एक्चुअल व्यू है वो यहाँ से आता, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है यार। सो फाइनली पहुँच तो गए क्लाउड्स एंड पॉइंट जहाँ पे आके बादल थोड़े से फंस जाते हैं क्योंकि ये टॉप पीक है एक तरह की, उधर आके मैंने भी कुछ लोग देखे यहाँ पे जो कि लोकल्स थे एक्चुअली, और उन्होंने एक्चुअली में कैप लगा रखा था और यू नो क्या बोलते हैं स्वेटर एंड यू नो जर्सी वगैरह पहन रखी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेदर, और हम लोग हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, हमारे यहाँ के कितना गर्मी होती है इस टाइम पे और यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा ही लेट हो गया, अगर मैं कास अराउंड कुछ पहुँच गया होता यहाँ पे 3 बजे के आसपास, या फिर मुझे लगता है शायद 3 से 4 के बीच में पहुँच गया होता तो शायद इतना ज़्यादा फॉग नहीं मिलता जितना अभी हो रखा है। यहाँ पे आपको चारों तरफ दिख रहा होगा सब तरफ फॉग ही फॉग हो रखा है, और इधर से बेसिकली जो आपको दिख रहा है ना प्लेस, यहाँ से सारे जो क्लाउड्स हैं वो सारे नीचे दिखते हैं ऊपर की तरफ नहीं दिखते, क्योंकि इतनी ऊंचाई है यहाँ पे कि क्लाउड्स इधर तक पहुँच नहीं पाते हैं। जब हवा चल रही होती है तो क्लाउड्स बेसिकली जो है फॉग है या फिर क्लाउड्स कह रहे हो जो भी है वो चल के यू नो हवा के साथ साथ यू नो बह के एक तरह से आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर फॉग एक तरह क्रिएट कर देते हैं। अभी क्या है कि फॉग चारों तरफ वो रखा है, जो एक्चुअल व्यू था वो हमें नहीं मिल पाया जो रियल में यहाँ पे दिखता है। हो सकता है कभी फिर आऊँ दोबारा से और फिर आपको दिखाऊं कि कैसा व्यू यहाँ पे होता है, सनी वेदर होगा मतलब धूप निकल रखी होगी, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। सो सॉरी मेरे दोस्तों, अभी वेदर की जो कंडीशंस हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हालांकि काफ़ी काम एंड कूल प्लेस है इन कंपैरिजन टू मसूरी, उधर हम जाते हैं तो बहुत सारा यू नो रश बहुत ट्रैफिक सब कुछ मिलता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो यू कैन विजिट दिस प्लेस, बहुत कम लोगों ने सुना होगा मुझे लगता है क्लाउड्स एंड पॉइंट के बारे में, कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, हालांकि इवन मैंने भी नहीं सुना था क्लाउड्स एंड पॉइंट के बारे में, वो मेरे को मालूम पड़ा गूगल सर्च से कि यहाँ पे नियर बाई कौन कौन से ऐसी जगह हैं जिन्हें हम घूम सकते हैं, तो वही देख के मैं यहाँ पे आया था। लेकिन आज का जो वेदर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सी बिल्कुल वाइट वाइट है एकदम से, सब तरफ फॉग हो रखा है बढ़िया वाला, और ये काफ़ी जो रास्ता है काफ़ी यू नो अपहिल है, एकदम से जब आप आते हो तो आपको काफ़ी अपहिल आना पड़ेगा। सो आज का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ इस खूबसूरत सी जगह पे जो कि आपको अभी नहीं दिख रही है खूबसूरत, हालांकि चारों तरफ जंगल है ये तो आपको दिख ही रहे होंगे क्योंकि ये थोड़े से रिमोट प्लेस है और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं। यार प्लीज़ यार डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको प्यारी प्यारी रील्स देखने के लिए प्यारी प्यारी पोस्ट देखने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहो ऐसे में प्यार देते रहो, मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूँगा कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, क्योंकि यू नो थोड़ा सा लगता है जब आप मेहनत करते हो और उस तरह से आपको रीच नहीं मिल रही होती जो आपको चाहिए, तो अगर कुछ ऐसा है जो मैं गलत कर रहा हूँ या फिर कहीं पर मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फिलहाल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो। चलता हूँ, बाय बाय, कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर ट्रैवलिंग मॉन्क। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू सून।